हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। और किचन में देखो, मैं किचन में हूँ, किचन के बालकनी में। और आज चने के छोले बनाने वाली हूँ, ग्रीन वाले चने हैं, तो उसको रख दी हूँ मैं बॉईल करने के लिए। और अरुषि उठ गए हैं, आधी सोई हैं, और अभी बज रहे हैं 7:15। तो आज मैं जल्दी उठी हूँ, तो फिर लेट हो जाता है डेली उठने को। अरुषि उठने देते सुबह में, उनके पास जाओ तो थोड़ा और सो करते। देखो उठ के आ गए, उनको बोली कि सो अभी मत उठो। देखो ये नहीं आ रही है, जाओ सो जाओ थोड़ी देर और, आलस टाइम अभी बहुत। अब ये इधर आके ऐसे ऐसे घुसेंगे। गुड मॉर्निंग बोल दो। गुड मॉर्निंग। बच्चे को नींद नहीं है, बस पता चल जाए सुबह हो गई है। बस दादाजी को याद कर रहे हैं, दादाजी को बुलाओ, मुझे बोल रहे हो आप यहाँ से चली जाओ, जाना है तो, और उनको बुला दो यहाँ पे रहने के लिए। चलो फिर कर लेती हूँ काम जल्दी जल्दी से, जल्दी उठी हो तो जल्दी कर लो आज। और यहाँ पे देखो मशीन में भी पानी चालू करी हूँ, आज सोफा कवर बेड शीट ये सब निकालना है, तो मशीन 2 बार लगाऊंगी, तो एक बार कपड़ों के लिए और एक बार वो कवर के लिए, बेड शीट और सोफा कवर वो सब के लिए। चलिए फिर लग जाऊँ काम पे। तो यहाँ कुकर में रख दी हूँ चने, चने बॉयल हो रहे हैं, और जब तक चने बॉयल होंगे तब तक मैं यहाँ पे तैयारी कर ले रही हूँ मसाले की। मसाला रेडी हो गया है और आटा भी गूंथ के रख दी हूँ। अब मैं जा रही हूँ, थोड़ा बेडरूम ठीक करना है और हॉल में भी सोफा वगैरह ठीक करना है। और कपड़े देखिए बिन बैग पे पड़े हैं, थोड़ा कल लेट सूखा था कुछ कपड़ा था, तो ऐसे ही पड़ा हुआ है, बाकी का काम कर लूँगी, इसको मैं बाद में करूँगी। और देखिए अदिति यहाँ पर बेडरूम से उठ के आई हैं, अब यहाँ सोई हैं, नींद में नहीं है, बट इनको डेली का इनका आदत है, बेडरूम से उठ के आएंगी तो 10-15 मिनट तक यहाँ पे लेटती हैं। और स्कूल नहीं है तो अभी ये लोग का ऐसे ही चलता है। आरुष उठते हैं तो 2-4 मिनट बोलते हैं कि मेरे पास बैठो, इसके बाद फिर वो उठ जाते हैं और यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं। वेट वेट वेट, शक्कर की चाय नहीं बनेगी, किसको किसको आरुष के हाथ की चाय पीनी है, आ जाइए आप लोग भी पी लीजिए, बताइएगा आरुष ने कैसी चाय बनाई है। और थोड़े दिन में तो मुझे किचन से छुट्टी मिलने वाली है, क्योंकि आरुष सारा काम संभाल लेंगे। चाय बन रही थी यार, उसकी चाय फट गई, तो अभी मैं वापस से रखी हूँ। और ये देखो छोले बन के रेडी हो गए हैं, तो अभी वापस से मैं चाय रखी थी। गुड़ की चाय कभी कभी फट जाती है, कभी कभी अच्छी बन जाती है। कोई टिप्स होगी आप लोगों के पास तो बताना मुझे, क्योंकि मैं शक्कर की चाय नहीं बनाती हूँ। तो चाय पी के हो गया हमारा, और यहाँ पर मैं पूरियाँ तल रही हूँ, क्योंकि इनको जाना है ऑफिस और 9:30 हो चुका है।
जरो कहनी वही जो है। अच्छा जी, ये तुम भी हिम्मत तो फाड़ता है। नहीं ना आरुष, नहीं ना आरुष ऐसे बोल रहे हो, जाने दो ना जाने दो। मैं भी बोल रही हूँ नहीं ना आरुष, प्लीज आरुष नहीं ना। मेरा गला, आरुष मेरा गला। ये देखो भिगाई हूँ उड़द की दाल है और बनाऊंगी मेनू वड़ा। पर अभी बज गए हैं 6:15 और कराटे है आज तो लोगों को लेके जाना क्लास, तो मैं इसको पीस के जाती हूँ, फिर आऊंगी तब बनाऊंगी। से यहाँ पे लग गया है लॉकडाउन, सब्जी की गाड़ी नहीं है, मुश्किल से 2-3 थी तो ये बनाना लिया मैंने। और मेदू वड़ा बनाने वाली हूँ तो उसके लिए नारियल ली और पेरू 1 kg, देखो कितना बड़ा बड़ा है, अच्छा तो लग रहा है देखने में, पता नहीं मीठा होगा कि नहीं होगा। और मखाना ली, इसको घी में ये ब्लैक नमक रहता है ना वो इसमें डाल के घी में फ्राई करके तो पॉपकॉर्न के जैसे बहुत अच्छा लगता है, बच्चों को तो बहुत पसंद आता है, आलू शादी को बहुत पसंद आता है, खाते हैं ऐसे ही फ्राई करके दे देती हूँ। थोड़ी तो ऐसी लग रही थी कि जिंदगी नॉर्मल हो रही है पहले जैसी, और ऐसा होके ज़्यादा दिन भी नहीं हुआ, वापस से ऐसा हो गया, अच्छा नहीं लग रहा। इसको मैं फेंकती नहीं हूँ मूली का पत्ता, इसका साग बना देती हूँ। थोड़ा सा धनिया पत्ता ली और ये बस इतना ही सामान लाई। दाल तो पीस के रखी थी मैं, इसमें नमक ऐड करके इसको मिक्स करना है एक ही साइड में, कंटिन्यू करते रहना कम से कम 15-20 मिनट तक, तो ही ये सॉफ्ट बनेगा अच्छे से। 15 से 17 मिनट हो गया मुझे, तो अभी मैं इसमें ऐड कर दी हूँ चावल का आटा है, काली मिर्च का पाउडर है, अदरक मिर्ची और लहसुन का पेस्ट है, हल्का सा दरदरा किया हुआ बारीक कटा हुआ प्याज है, हरी धनिया है और थोड़ा सा इसमें हींग भी ऐड की हूँ। इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। हींग ज़रूरी है क्योंकि उड़द की दाल है, किसी किसी को प्रॉब्लम हो जाता है खाने से तो हींग ज़रूर ऐड करें। और ये देखिए नारियल की चटनी बनाने के लिए यहाँ पे ली हूँ चना दाल है, अदरक है, हरी धनिया है, हरी मिर्च है और नारियल है, तो उसका मैं पेस्ट बना ली हूँ। अब यहाँ पे लगा देती हूँ तड़का कड़ी पत्ता और राई का। तो यहाँ पे देखिए ऑयल ऐड की हूँ कढ़ाई में, ऑयल गर्म हो गया है तो मैं यहाँ प्लेट में पानी लगाई हूँ और फिर इसी तरह से इस पे रख के थोड़ा सा प्रेस करके और बीच में होल करके कढ़ाई में डाल देना है। पानी लगाएंगे तो फिर अच्छे से फिसल जाता है वो और बहुत अच्छे शेप में बन जाता है, वैसे हाथ में लेके बनाएंगे तो इतना अच्छा शेप नहीं आता है। और मीडियम फ्लेम पे पका लेना है गोल्डन ब्राउन होने तक। तो देखिए चटनी और मेदू वड़ा बन के हो गया है तैयार, आप लोग भी आ जाइए, आप लोग भी खा लीजिए हमारे साथ में। डिनर हो गया, काम भी सारे फिनिश हो गए हैं, अब मैं सोची वीडियो एंड कर देती हूँ। आलू समझती नहीं, अभी नहीं सोने के टाइम पे लगाना, ओडोमॉस लेकर। तो शादी है नीचे, देखो इतना जोर जोर से बजा रहे हैं, शादी है शायद बेटा, कुछ फंक्शन चालू, इतना जोर जोर से बजा रहे ना
कि आज के वीडियो में ज़्यादा मैं ऐसे नहीं मतलब बनाई हूँ, फिर बाद में मुझे वॉइस ओवर करना क्या बोले वारूस करना पड़ेगा क्योंकि इन्हें तो फिर इमेज का कॉपीराइट का हो जाएगा। तो इसके लिए चलो फिर ज़्यादा नहीं बोलूँगी, अभी ब्लॉग एंड करती हूँ और मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, गुड नाइट, बाय गुड नाइट, बाय बाय, बिजी है।